अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं TW एंगलमैन्स एक्सपेरिमेंट। तो TW एंगलमैन का कंप्लीट नेम था थियोडोर विल्हेम एंगलमैन। ये एक बोटेनिस्ट था। इसने ये एक्सपेरिमेंट 1882 में की थी, 1882 में। तो TW का मकसद क्या था, उसने ये एक्सपेरिमेंट क्यों की थी? देखो, आई होप आप लोगों ने एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस को स्टडी किया होगा। एक्शन स्पेक्ट्रम में हम ये पढ़ते हैं कि रेड लाइट और ब्लू लाइट पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर कलर्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। तो TW इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना चाहता था, इसलिए TW ने ये एक्सपेरिमेंट की थी। तो TW ने अपनी एक्सपेरिमेंट में कौन से कंपोनेंट यूज किए थे? फर्स्ट कंपोनेंट था स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा फिलामेंटस ग्रीन एलजी है। TW ने स्पाइरोगायरा इसलिए चूज किया था क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है और ये इजीली ऑब्जर्वेबल है अंडर अ माइक्रोस्कोप। सेकेंड कॉम्पोनेंट था व्हाइट लाइट सोर्स। व्हाइट लाइट सोर्स को इसलिए चूज किया था क्योंकि ये व्हाइट लाइट को एमिट करता है और जो व्हाइट लाइट होता है वो कंप्लीट विजिबल स्पेक्ट्रम पर मुश्तमिल होता है, 7 कलर्स पर मुश्तमिल होता है। थर्ड कंपोनेंट था माइक्रोस्कोप। फोर्थ कंपोनेंट था प्रिज्म। प्रिज्म जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसकी ये खासियत होती है कि ये व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड करती है, कंप्लीट विजिबल स्पेक्ट्रम में डिवाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ। फिफ्थ कंपोनेंट था एरोबिक बैक्टीरिया। TW ने एरोबिक बैक्टीरिया इसलिए चूज किए थे क्योंकि इसकी सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी होता है। ये ऑक्सीजन की हेर मौजूदगी में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये कंपोनेंट्स TW ने अपनी एक्सपेरिमेंट में यूज किए थे। अब यहां पर ये नोट कर लें, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑक्सीजन जो है ये एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है, ये हम सबको पता है। तो TW ने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किस तरह की थी? उसने एक साइड पे फिलामेंट ऑफ ग्रीन एलजी को रखा। यहां पर ये क्या है, ये फिलामेंट है ग्रीन एलजी का और ये क्लोरोप्लास्ट है जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया है। दूसरी साइड पे सोर्स ऑफ लाइट को रखा, दरमियान में प्रिज्म को रखा, यानी प्रिज्म को फिलामेंट ऑफ ग्रीन एलजी और सोर्स ऑफ लाइट के दरमियान रखा। TW ने यहां पर, यानी जहां पर फिलामेंट ऑफ ग्रीन एलजी को रखा था, यहां पर एरोबिक बैक्टीरिया को भी इंट्रोड्यूस किए थे। ये जो ब्लू डॉट से मैंने शो किया है, ये क्या है, ये एरोबिक बैक्टीरिया है। तो जब TW ने सोर्स ऑफ लाइट को ऑन किया, फिर सोर्स ऑफ लाइट ने व्हाइट लाइट को एमिट किया, तो जब इस व्हाइट लाइट की प्रिज्म के साथ इंटरेक्शन हो गई, फिर प्रिज्म ने इस व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड किया, यानी कंप्लीट विजिबल स्पेक्ट्रम में डिवाइड किया, जिसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड आते हैं। तो ये जो 7 कलर्स हैं, इसकी जब फिलामेंट ऑफ ग्रीन एलजी के साथ इंटरेक्शन हो गई, इसके बाद ग्रीन एलजी जो थी ये एक्टिवेट हो गई, यानी इसने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू किया। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू होने के बाद क्या हुआ, यहां पर ये नोट कर ले, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये जो एरोबिक बैक्टीरिया थे, ये 2 रीजन पर एकमुलेट हो गए, यानी बाज बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया यहां पर एकमुलेट हो गए जहां पर ब्लू लाइट पड़ता था यहां पर, और बाज एरोबिक बैक्टीरिया यहां पर एकमुलेट हो गए जहां पर ये रेड लाइट पड़ता था।
अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये एराबी बैक्टीरिया यहाँ पर यानी इस रीजन में और इस रीजन में क्यों एकमुलेट हो गए थे। तो इसका आंसर ये है कि यहाँ पर जहां पर ब्लू लाइट पड़ता था और यहाँ पर जहां पर रेड लाइट पड़ता था ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रही थी। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि एराबी बैक्टीरिया जो है इसकी सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी होता है। जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होती है ये वहां पर चले जाते हैं। तो इसलिए ये यहां पर एकमुलेट हो गए थे कि यहां पर और यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रही थी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहां पर जहां पर ब्लू लाइट पड़ता था और यहां पर जहां पर रेड लाइट पड़ता था ऑक्सीजन क्यों ज्यादा रिलीज हो रही थी। तो इसका आंसर ये है कि यहां पर जहां पर ब्लू लाइट पड़ता था और यहां पर जहां पर रेड लाइट पड़ता था रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा थी। यहां पर और यहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा थी इसलिए ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रहा था। तो इस एक्सपेरिमेंट से पीर TW ने ये प्रूव किया कि रेड लाइट और ब्लू लाइट पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है। तो ये थी TW एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।